या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल पडेमिया। मणिपूरची स्थिती काश्मीरपेक्षा भयंकर आहे। भाजपला हिंदू मुसलमान तेथे करता येतं। काश्मीरमध्ये ते काश्मीर फाईल्स रंगवत असतात। मणिपूरची स्थिती भयंकर। चीनला तुम्ही घाबरता आहात का? ज्या महिलांची धिंड काढण्यात आली त्यातील एका महिलेचा पती देशासाठी लढला आहे आणि देशाचं संरक्षण करत असताना आपल्या पत्नीची आबरू तो वाचू शकला नाही। देशासाठी ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे। मणिपूरची हिंसा, महिलेवरील अत्याचार पाहत बसली आहे। पंतप्रधानांनी तिकडच्या मुख्यमंत्र्याचा राजीनामा घ्यायला हवा, पण तो घेत नाही। मन की बात नाही, मणिपूर की बात करो। सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं तेव्हा तुम्ही यावर बोलले आहात। संसदेत या प्रकरणी बोलू दिलं जात नाही। महिलांना सरकार बदलावं लागेल। मी आधीच सांगितलं होतं अजित पवार मुख्यमंत्री बनणार आहे। मी आधी देखील सांगितलं होतं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचा करेक्ट कार्यक्रम करतील। ही जी दोस्ती आहे ती दोघे मिळून शिंदे गटाचा कार्यक्रम करतील। हे सगळं ठरल्याप्रमाणे स्क्रिप्ट न होईल। सरकार बदलने की क्षमता महिलाओं में है। जब जब सरकार बदली है इस देश में परिवर्तन हुआ है, चाहे राज्य में चाहे देश में, तब महिला वोटरों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। बहुत ही दिल्ली की सरकार बदली थी, प्याज की जो महंगाई हुई थी उस वक्त दिल्ली में, महंगाई बहुत अहम मुद्दा है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार का बहुत अहम मुद्दा होता है। तो मुझे भी विश्वास है जो ममता दीदी कह रही है कि महिलाएं सरकार को बदल देगी। मैं भी देखता हूँ, फीडबैक हमारे पास भी आता है। देश की महिला बहुत गुस्से में है, आहत में है। जिस तरह से केंद्र की सरकार ने, चाहे मणिपुर हो चाहे और भी घटनाएं हुई है रेसलर्स महिलाओं के बारे में, तो राज्य और देश में महिलाओं ने निर्णय लिया है कि अभी सरकार बदलनी चाहिए। मोदी जी की सरकार जब आई तो सबसे ज़्यादा प्रचार महिलाओं ने किया था, चाहे उनकी एडवर्टाइजमेंट हो चाहे उनके प्रचार में हो, महिलाओं का योगदान रहा मोदी जी की सरकार लाने में। अब वही महिलाएं ये सरकार वापस घर भेज दी। आपने मणिपुर फाइल का जिक्र किया है, सामना में उल्लेख आया कि क्या मणिपुर फाइल दिखाने की हिम्मत करेगी? देखिए, मणिपुर फाइल चाहे कोई दिखाए या न दिखाए, लेकिन देश के नहीं तो विश्व के सामने मणिपुर में क्या हो रहा है वो पूरे फाइल्स ओपन हो गई है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, जो जो महिलाओं को जिस तरह से उनकी नेकेड परेड हुई है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं मणिपुर में हो गई और हो रही है। वहां के आर्मी के ऊपर भीड़ हमले कर रही है और सरकार मूक दर्शक बनकर ये सब तमाशा देख रही है। लगभग मणिपुर की हालत कश्मीर से भी भयंकर हो रही है, कश्मीर से भी। लेकिन जिस तरह की राजनीति का काम कश्मीर के बारे में होता है, क्योंकि वहाँ हिंदू मुसलमान हो जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर पा रही है। मणिपुर का हिंसा, मणिपुर की हिंसा, मणिपुर की घटनाएं बीजेपी को राजनीतिक फायदा नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए बीजेपी वाले चुप है। अगर यहाँ एक भी कोई और समुदाय का व्यक्ति होता, अल्पसंख्यक का होता, मुसलमान होता, तो अब तक पूरे देश में बवाल हो जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश मणिपुर की जनता के ऊपर ना मोदी जी, ना केंद्र सरकार, ना वहाँ के गवर्नर, एक महिला राष्ट्रपति है देश में, और महिला राष्ट्रपति होने के बावजूद मणिपुर में
महिलाओं नेकेड परेड की जाती है और राष्ट्रपति ने भी अब तक उसके ऊपर अपनी भूमिका व्यक्त नहीं की है, ना सरकार को आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने आदेश दिया, वो अस्वस्थ हो गए, लेकिन हमारी महिला राष्ट्रपति जो भारतीय जनता पार्टी की कभी कार्यकर्ता रही है, लेकिन हमारे महिला राष्ट्रपति की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है, ना कोई भूमिका आई है। पहा जा दोन महिला, मणिपूरची स्थिती अत्यंत भयंकर आहे, काश्मीर पेक्षा भयंकर। पण काश्मीरच्या बाबतीमध्ये हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान राजकारण भारतीय जनता पक्षाला करता येतं, म्हणून ते काश्मीर 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 फाईल्स बरं का अशा प्रकारच्या कथा रंगवत असतात। पण आज मणिपूरची अवस्था काश्मीरपेक्षा भयंकर आहे, अख्खं मणिपूर पेटलेलं आहे, सीमावर्ती राज्य आहे, काश्मीरच्या सीमेवर पाकिस्तान आहे, इकडल्या सीमेवर चीन आहे। का चीनला घाबरताय का तुम्ही? ज्या दोन महिलांची नग्न झुंड काढली त्यातील एका महिलेचा पती हा लष्करामध्ये अधिकारी होता, त्याने देशासाठी कारगिलचे युद्ध लढलेलं आहे, तो शांती सैनिक म्हणून श्रीलंकेत गेला आहे, अनेक ठिकाणी गेला आहे, तो देशासाठी त्याने देशाची सेवा बजावली आहे आणि त्याची वेदना आम्ही समजून घेतली ऐकली की मी देशाचं संरक्षण केलं पण मी माझ्या पत्नीचं माझ्या कुटुंबाचं रक्षण करू शकलो नाही, ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट देशासाठी आहे। या एका मुद्द्यावर प्रधानमंत्र्यांनी तिकडल्या मुख्यमंत्र्याचा मणिपूरचा ताबडतोब राजीनामा घेऊन तिथे राष्ट्रपती राजवट लावायला हवी, पण हे सरकार मणिपूरची हिंसा आणि महिलांवरील अत्याचार निर्लज्जाप्रमाणे पाहत बसलेलं आहे। मणिपूर की बात करो, मन की बात नाही, मणिपूर की बात करो। बात ऐसी है, मन की बात जो है उधर मणिपूर की बात होने दो, देश मणिपूर के बारे में आपकी बात सुनना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आपको फटकार लगाई इसलिए आपने मणिपुर की बात क्या 20-25 सेकंड में की है, लेकिन उसमें ये मामला ख़त्म नहीं हो जाएगा। आप संसद में उसके ऊपर बात नहीं करने देते, आप सवाल नहीं उठाने देते, आप डिबेट नहीं करने देते। मणिपुर की बात अगर आपके मन में नहीं है तो क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? मणिपुर की हालत कश्मीर से भी खराब हो गई। महिलांच्या मुलींचा नग्न झिंड काढताना प्रधानमंत्री परदेश दौरे करतात, हे कुठलं लक्षण आहे? चलिए, थँक्यू व्हेरी मच। देखिए, कोई ट्वीट करने की जरूरत नहीं है, मैं पहला आदमी हूँ। जब अजीत पवार डिप्यूटी सीएम बन गए थे तब मैं पहला आदमी, मैंने कहा था अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और महाराष्ट्र को एक नया मुख्यमंत्री मिल रहा है, ये मैंने पहले कहा था। महिलांना सरकार बदलावं लागेल, मोदींचं सरकार महिलांनीच आणलं। काँग्रेसचा पराभव करण्यासाठी जाहिरात आणि प्रचारात भाजपनं महिलांचा वापर केला, महागाई असेल, महिला अत्याचार असतील, आता त्याच महिला त्याच पद्धतीनं सध्याचं केंद्र सरकार मोदींचं सरकार उठवून टाकल्याशिवाय राहणार नाही। फडणवीस आणि अजित दादा मिळून शिंदे यांचा कार्यक्रम करतील, करेक्ट, ही जी दोस्ती आहे शिंदे आणि फडणवीसांची, जे काय अंडर करंट आहेत त्यांचे, हे दोघे मिळून एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाचा अगदी मस्त कार्यक्रम करतील, हे मी पहिल्या दिवसापासून सांगतोय, हे सगळं ठरलेलं स्क्रिप्ट प्रमाणे होईल। मटन चिकन साठी प्रसिद्ध असलेलं सोलापूर शहरातील विजापूर वेस येथील प्रसिद्ध हॉटेल हॉटेल बडेमिया पाया ताहरी मटन बिर्याणी मटन शीक चिकन 65 आदि मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बडेमिया। मटन मध्ये बीफ मटन राईस बीफ चीज अंगुरी बडेमिया स्पेशल मटन मटन अंगारा मटन कढी खीमा मसाला चिकन मध्ये
चिकन राइस, चिकन मालवणी, स्पेशल बडेमिया चिकन, चिकन चीज अंगूरी, चिकन टिक्का, चिकन हैदराबादी, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन मसाला असे भरपूर आइटम्स उपलब्ध। मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, बीफ से स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध। खास हॉटेल मध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोय ही उपलब्ध। स्वस्त आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर बेस येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बडेमिया। आमचा पता हॉटेल बडेमिया, विजापूर बेस, सोलापूर।